दीवाना तेरा हर बशर हो गया है, कर्म का तुम्हारे असर हो गया है, तुम्हें याद करना इबादत है मेरी, मेरे दिल में उनका ही घर हो गया है। ये कुछ ऐसे लाइंस हैं जो पूरे देश और दुनिया में लोगों ने पसंद किया। आज गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चकमंजो के अकीलाबाद गांडो में दो दिवसीय उर्स के समापन दिवस के अवसर पर यहां के लोगों ने एक बहुत ही बड़े कवाली प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत ही जाने माने और मायनाज कव्वाल अशोक जख्मी साहब यहाँ पर हम सभी के साथ मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो फैंस हैं, इनके जो प्रशंसक हैं, वो कितने बेकरार हैं, उन्हें आप स्क्रीन पर देखें। पूरा ये बड़ा जो हॉल है पूरी तरह से इनके फैंस, इनके चाहने वालों से खचाखच भरा हुआ है। हो भी क्यों ना, अशोक जख्मी साहब जैसे मायनास कव्वाल आज गिरिडीह जिले में तशरीफ फरमा है। आज ही बाद नमाज इशा इनके द्वारा एक बेहतरीन प्रोग्राम यहां पर ऑर्गेनाइज होगा। तो आइए बात करें आवाज के जादूगर कव्वाली के बादशाह जनाब अशोक जख्मी साहब से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। गिरिडीह जिले में आपकी तशरीफ आवरी हुई है, हम सभी बहुत ही खुश हैं। कैसा लगा आपको गिरिडीह आकर? अच्छा अच्छा लगा, आप लोगों को देख के तो अच्छा ही लगा, वर्ली के दरबार में कोई भी जाता तो अच्छा ही लगता। चलिए, बहुत ही खुशी है, हम सब खुश हैं। आपके फैंस देखें, आपके चाहने वाले किस तरह से खुश हैं, आपका दीदार हो रहा है, और आपसे कुछ देर के बाद आपकी जो आवाज है, जो जादू आपकी आवाज में है, वो आवाज भी सबके सब सुनेंगे। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही मकबूल कव्वाली आपके पूरे देश और दुनिया में हुए हैं, आज कुछ अलग आप पेश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके फैंस यहाँ पर हैं, नए चीज अगर आप लोग सुनने की कोशिश करेंगे तो नए नए अशआर इतने हैं। देखिए, अल्लाह की तारीफ अल्लाह खुद करके थक जाता, हम क्या तारीफ करेंगे, अल्लाह करवा लेता है। तो उस हबीब की तारीफ जब खुद अल्लाह तबारक ताला नहीं कर पाता तो हम क्या करें, बस अपने हबीब के सदके में करवा लेता है। जो मकबूल तरीन आपके अशआर और कव्वाली हैं, उनमें से एक आद जो आपको ज्यादा, आपके दिल के जो ज्यादा करीब है, आप ऐसे ही बस दो तीन लाइन हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं जो पूरे जिले और पूरे राज्य भर में हैं, और खास करके जो फैंस यहाँ पर खड़े हैं उन तक पहुंचाएं। अभी अगर आप लोग नया सुनना चाहेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम नई बिल्कुल आज ही कलाम लिखा है, सुनना चाहेंगे जरूर। ऐसा रुतबा नहीं है किसी का, ऐसा रुतबा नहीं है किसी का, जैसा रुतबा है मेरे नबी का, किसी का। ये इंशाल्लाह वक्त सब चलिए बहुत करीब है, वो वक्त जब आप पूरे तैयारी के साथ सुनेंगे अशोक जख्मी साहब को। और हम अभी शायद आप लोगों तक पहुंचेगी, आज नहीं कल तो वीडियो द्वारा पहुंची जाएगी। कोशिश मैं ये कहता हूं कि आप लोग नई चीज सुनने की कोशिश करें। देखिए, आजकल कव्वालियां जो है कव्वालियों से बहुत दूर हम लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नौजवान भाई है, राह हक से भटकी मत। मेरी गुजारिश ये है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दामन अगर हम पकड़े रहेंगे तो कसम खुदा की कोई शय नहीं है जो हमें मिटा दे जी। लेकिन आप अपने आप को पहचानिए। एक बात मैं कह रहा हूँ, आप बहुत गौर से सुनिएगा इसको। ये वली का खानदान है, यही है खानदान जहाँ की 80-80 मन की तलवारें एक एक बार चलाते थे तो कई बार फाका होते हैं। लेकिन आज हमारे पास वो ताकत नहीं कि हम 10 किलो की तलवार उठा सके। क्या कमी है इसको भूलिए। इसी घर से वली अकरम पैदा होते थे, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहे ये देखिएगा आप।
माफी चाहेंगे सर। एक कलाम सुनिएगा, कोई मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, कोई मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न होगा। और एक बात, एक शेर मैं आप लोगों को खास तौर से सुनाना चाहता हूँ, इस बात को हमेशा याद रखें। वो हबीब किबरिया है, बाखुदा जहां में कोई शहे अंबिया के जैसा न हुआ न है न होगा। क्या बात, लेकिन क्या बात, सरकार दो आलम में अगर हम अपने को मिटा भी दें तो ये याद रखे कि हम मुर्दा भी रहेंगे तो फिर भी हम हैं, वो कभी मुर्दा नहीं हो सकते सरकार के छाने वाले, वो बिल्कुल जिंदा है मजारों में। जी। एक शेर है, जो रसूल की मोहब्बत में हुआ जहां से रुखसत, कभी मर के भी वो मुर्दा न हुआ न है न हो। हमारे साथ अशोक जख्मी जुड़े थे जो कि आवाज के बादशाह हैं, पूरे देश और दुनिया में मकबूल हैं और इनकी कव्वाली, इनकी आवाज और इनके अंदाज को पसंद किया जाता है। आज गिरिडीह जिले में इनकी आमद हुई है, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चकमंजो के अकीलाबाद गांडो में आज इनके द्वारा कव्वाली पेश की जाएगी, वही कव्वाली जो पूरे देश और दुनिया में मकबूल है। लोग बहुत ही शौक के साथ इनकी कव्वाली और इनकी आवाज को सुनना पसंद करते हैं। आज गिरिडीह में इनकी जलवा गरी होने वाली है, इनके आवाज से आज गिरिडीह जो है वो मंत्रमुग्ध होगा, लोग झूमेंगे, झूमने के लिए लोग बेकरार हैं। इनके फैंस, इनके प्रशंसक, इनके चाहने वाले यहाँ पर आप देखें अपने स्क्रीन पर कितनी भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हैं। अब से बस कुछ ही देर पहले इनकी आमद हुई है, बहुत ही जोश से भरे हैं अशोक जख्मी साहब भी, यहाँ के फैंस की तरफ से जो वेलकम हुआ है, जो इनका स्वागत किया गया है जिस तरीके से, उसे पसंद किया है इन्होंने। और इन्होंने इशारे ही इशारे में कहा है कि आज ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ देने वाले हैं। पुरानी जो अशार इनके मकबूल हैं वो तो हैं ही अपनी जगह, अगर फैंस का रिक्वेस्ट हुआ, फैंस की मर्जी हुई, उन्होंने चाहा तो जो पुराने इनके मकबूल कव्वाली हैं उन्हें भी पेश करेंगे, और हर हाल में नए और ताजा जो कलाम इनके लिखे हुए हैं उन्हें भी आज सुनाकर गिरिडीह को कुछ देकर जाने के मूड में आए हैं अशोक जख्मी। अब से बस कुछ ही देर के बाद यहाँ के लोग होंगे अशोक जख्मी होंगे, और फिर पूरा जिला जो है हर तरफ अशोक जख्मी के नाम से गूंजता हुआ नजर आए। धन्यवाद।